ज्ञान से भरलोक आगर मैथ विद सागर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में चलते हैं। आज की क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप उनको देखो फिर इस वीडियो पे आओ, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लग जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज इस लेक्चर में 4.1 का सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करेंगे और बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स हम बाद में करेंगे। आशा करता हूँ कि हर एक बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक होगी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक नहीं होगी तो आपको पता नहीं लगेगी क्वेश्चन क्या है। वैसे भी क्वेश्चन यहाँ नजर आता है, फिर भी आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी जरूरत है। ठीक है भाई, तो हम सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो लिख लो 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बेटा एक बात मैं आपसे पहले बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन को खुद पढ़ो और ये देखो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर वीडियो पे आते हो और सिर्फ आंसर देखते हो तो आप क्वेश्चन तो आंसर तो आपको पता लग जाएगा पर आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी आपको सिचुएशन दे रखी है या वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम इनको, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपको इसको किस में चेंज करना है, रिड्यूस रिप्रेजेंट करना है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब कि अगर मैं कहूँ कोई भी आपको किस सिचुएशन या कंडीशन दे रखी है आपको कन्वर्ट करनी है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter, length दे रखी है प्लॉट की कितनी किस में, मीटर्स में। ओबियसली बात है एरिया रेक्टेंगल प्लॉट्स का 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ओबियसली बात है जो लेंथ भी होगी वो क्या होगी, मीटर में ही होगी। कह रहा है जो लेंथ है ऑफ प्लॉट की इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। एक और चीज बताऊं भाई, इसने बोला कि वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, पर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज आपको फाइंड करने के लिए यहां फाइंड करने के लिए आपका एक हिंट है कि आपको लेट क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आपको लेट करनी है। ठीक है भाई, तो लेट करते हैं। लेट द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, उसको मान लो बेटा आप x मीटर, क्या मान लो आप x मीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है भाई, उसकी लेंथ क्या है भाई, लेंथ क्या रहा है कि उसके जो ब्रेथ है उससे ट्वाइस है, क्या है उससे ट्वाइस है, और एक बोला इसने इज वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस भी है और एक ज्यादा भी है, ट्वाइस भी है और एक ज्यादा भी है। ठीक है भाई, अब उसने एक चीज और बोली कि जो एरिया है ना वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है मुझे। यार एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लो ये कोई रेक्टेंगल आपके पास, तो इसकी ये ब्रेथ होगी ये लेंथ होगी, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है ना भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है ना। तो भाई ये इसको मैं यहां लिख सकता हूँ एक्स इंटू, इसको छोड़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इतना याद रख लेना भाई। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलते हैं भाई, यार मुझे एक बात बताओ कि भाई एरिया क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था भाई, भैया सर आपने अभी बोला लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। ठीक है भाई, एरिया कितना दे रखा है भाई आपको, 528, लेंथ कितनी है भाई आपको 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है भाई आपकी x, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो 528, ये क्या हो जाएगा 2x² + x, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 2x² + x - 528 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, 8 है भाई, एक ध्यान से देखना यहाँ क्या है 8, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, डिग्री क्या है 2, डिग्री क्या है 2, तो भाई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी थी वो हम बना चुके हैं। ये क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, कोई रेक्टेंगल प्लॉट है उसका एरिया दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसने आगे क्या बोला, द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेकिन जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या कह रहा है, ब्रेथ से ट्वाइस है, मैंने ब्रेथ को क्या माना है एक्स, उससे क्या है ट्वाइस है, और उससे एक ज्यादा भी है, ट्वाइस भी है और एक ज्यादा भी है। ठीक है भाई, तो इसका फिर इसने फिर बोला कि हमें पता है कि एरिया ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होती है भाई, ये था हमने वैल्यू पुट किया आंसर निकाला फिर आप। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें लिखा वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, आपको फाइंड नहीं करनी है, आपको कन्वर्ट करनी है सिचुएशन किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है मतलब कि आपको हिंट दे रहा है कि आप लेट कर लो ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स। तो आप इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप अगर आपने सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का रखा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। जब हम अगर आपको फिर सॉल्व नहीं कर पाते तो भाई कमेंट सेक्शन में कर देना कि आप सर हम सॉल्व नहीं कर पाए, आप कर दो तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। पहले खुद किया करो क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पीछे करके एक बार वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड पार्ट भाई, सेकंड पार्ट क्या करें वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे आपको नजर आ गया होगा, खुद पढ़ो, इक्वेशन बनाओ और चेक करो कि आपकी इक्वेशन ठीक है या नहीं है। इसमें कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कंजुगेटिव का मतलब बता देता हूं मैं, तो कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, कंजुगेटिव का मतलब होता है जैसे एक के बाद क्या आता है, दो के बाद क्या आता है, तीन, लकी। तो इसने बोला है टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई, प्रोडक्ट का मतलब भी बता देता हूं मैं आपको, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आपको पता होंगे या नहीं पता हो तो देख लो भाई, जो नेगेटिव होते हैं, मतलब कि अगर मैं कहूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर आए और पॉजिटिव नंबर भी आए उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कंजुगेटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स का प्रोडक्ट। क्या है 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर, तो फाइंड इंटीजर, आपको हिंट दे दी, क्या फाइंड करना, इंटीजर। तो भाई एक फर्स्ट नंबर को मान लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, लगातार आने वाले, मगर ये x है तो वो क्या होगा, x प्लस वन। अगर ये वन है, ये वन है, इसमें वन ऐड कर रहा हूँ, जैसे वन है तो इसमें वन ऐड करने के बाद मेरा टू आया, टू में वन ऐड करने के बाद मेरा थ्री आया, थ्री में वन ऐड करने के बाद मेरा क्या आएगा, फोर आएगा। तो ये मेरा x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी एक्स प्लस वन, क्योंकि एक ऐड करने के बाद आता है, कंजुगेटिव का मतलब ये होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसने बोला कि प्रोडक्ट, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, मतलब कि x इंटू एक्स प्लस वन करता हूं, तो मेरा आएगा 306। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर्स क्या हो गया, आपको तो सिर्फ क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है भाई, ठीक है भाई। तो बनाते हैं, पहले आप करो अच्छे से, आपको सॉल्व करना होता होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्या होगी भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, टू है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही था, अगर इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू वेरी मच।